हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दून टेस्ट में। आज की रेसिपी होने वाली है ये मैगी ऑमलेट। तो ये देखने में जितनी ही अच्छी लग रही है उतनी ही ये खाने में टेस्टी है। तो आज की रेसिपी है मैगी ऑमलेट और ये दूसरी रेसिपी है लेमन गार्लिक मैगी। तो चलिए शुरू करते हैं अभी रेसिपी बनाना। तो पहले हम ऑमलेट मैगी बनाते हैं। तो उसके लिए एक बाउल में मैंने एक मैगी इसमें डाली है। तो एक मैगी इसमें हम बॉईल करने के लिए रखते हैं। अब इसको अच्छे से हमें बॉईल करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डालेंगे जिससे ये चिपके ना, और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा इसमें नमक भी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से हम चला के इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो इसको बॉईल करने के बाद हमें इसका पानी अलग करना है। तो अब हम इसको एक किसी बॉल में इसको पानी निकाल देंगे और निकाल के फिर हम इसको एक तरफ अलग रख देंगे। अब हमने एक बॉल लिया है, उसमें दो हमने अंडे डाले हैं और चॉप किया हुआ इसमें ऑनियन डाला है। ऑनियन के बाद में चॉप किया हुआ हरी मिर्च हमने डाली है और चॉप किया हुआ इसमें धनिया पत्ती डाली है। अब इसमें हमने मैगी मसाला भी ऐड करना है। मैगी मसाला भी ऐड करने के बाद में अब इसमें जो हमने मैगी बॉईल की थी वो इसमें हमको डाल देना है। अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है। फिर अब इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर दीजिएगा। अब इसको एक स्पून से अच्छे से पूरा अंडा जो मसाला डाला है ये सब मैगी में अच्छे से मिक्स करना है। तो जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए इसको आप अच्छे से चलाते रहिए। तो देखिए अब ये अच्छे से मैगी इस अंडे में और मसाले में मिक्स हो चुकी है। अब एक फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है। अब रिफाइंड ऑयल डालने के बाद में इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें एक मैगी से दो ऑमलेट अच्छे से बन जाते हैं। तो आधा मैगी जो हमने मिक्स करके रखा था उसे अब हम मैंने अच्छे से फैला दिया है। तो देखिए एक मैगी से आपका एक खूब अच्छा बड़ा ऑमलेट बन जाता है। तो इसको जब खूब अच्छे से आपको एक तरफ से अच्छे से सेकना है। तो जब ये अच्छे से एक साइड से सिक जाए तो फिर दोबारा आप इसको पलट के और उसको भी अच्छे से आपको सेकना है। तो इसको जब तक ये अच्छे से ना सिके तब तक इसको आपको पैन में रखना है और अच्छे से दबा दबा के सेकना है। जितना ये अच्छे से सिकेगा उतना ही टेस्टी ये बनेगा। देखिए अब ये अच्छे से सिक के ये मैगी ऑमलेट आपके रेडी है। तो देखिए ये मैगी ऑमलेट बनकर तैयार है। तो चलिए अब आपका ये मैगी ऑमलेट तैयार हो चुका है। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो अब हम आपको अब दूसरी रेसिपी दिखाते हैं। इसमें भी आपको एक बाउल में एक मैगी डालनी है और वो मैगी डाल के भी आपको अच्छे से बॉईल करना है। तो इसमें जब पानी में हमने ये मैगी डाली है तो फिर इसमें भी हमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालना है ताकि ये चिपके ना, और रिफाइंड ऑयल डाल के इसमें थोड़ा सा आपको नमक ऐड करना है और ये इसको भी आपको अच्छे से पकाना है। जब तक ये अच्छे से ना पके इसको आप कुक कीजिए। अब जब ये अच्छे से पक जाए तो इसका भी आपको पानी अलग निकालना है। तो अब ये आपकी मैगी कुक हो चुकी है तो इसका पानी भी निकाल के आपको एक बाउल में अलग रखना है। इधर हमने एक पैन में हमें रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छे से गर्म करना है। जब तक आपका रिफाइंड ऑयल गर्म हो रहा है तो एक बाउल में चॉप किया हुआ गार्लिक डालना है, चॉप किया हुआ धनिया पत्ती डालनी है और चॉप किया हुआ आपको प्याज डालना है। और इसके बाद में आपको चिली फ्लेक्स भी डालनी है। चिली फ्लेक्स डालने के बाद में फिर आपको इसमें ये रेड चिली सॉस ऐड करनी है। अब रेड चिली सॉस 1 से 2 टेबल स्पून डालने के बाद में इसमें लेमन जूस भी आपको 1 से 2 टेबल स्पून डालना है। अब इसको भी ऐड करने के बाद में अब आपको इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है और अब इसमें आपको थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड कर देना है। और इसको सबको ऐड करने के बाद में मैगी मसाला इसमें डालना है और ये जो गरम किया हुआ ऑयल इस पूरे उसमें ऐड करना है। अब इसमें मैगी मिला के इन सबको अच्छी तरीके से जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए इन सबको अच्छे से मिक्स करते रहिए ताकि जितने ही अच्छे से मिक्स होगा तो इसका फ्लेवर मैगी में अच्छे से ये पहुँच सकेगा। तो अच्छे से इसको मिक्स करते रहिए जब तक कि ये अच्छे से इसमें इसका वो फ्लेवर ना पहुंच जाए। तो देखिए ये अब आपकी लेमन गार्लिक मैगी बनकर तैयार है। तो देखिए ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसको भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा।